गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 4, दैट इज सोशल जस्टिस। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड टू प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। द वन वॉज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स एंड द सेकेंड वॉज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच वी रिकॉग्नाइज इज फॉर अ सोसाइटी टू टेक इनटू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज। जो ये थर्ड प्रिंसिपल है जस्टिस का, वो क्या है? वो है कि सोसाइटी में रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते समय लोगों के स्पेशल नीड्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। दिस वुड बी कंसिडर्ड अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, और ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का एक अच्छा वे हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस एंड राइट्स एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जस्टिस में रिक्वायर that people be treated equally। उनके बेसिक स्टेटस के आधार पर या फिर सोसाइटी के मेंबर के रूप में जो वो राइट्स इंजॉय करते हैं, उसके आधार पर ये ज़रूरी हो जाता है कि पीपल जो हैं वो इक्वली ट्रीटेड हों, सबके संग इक्वल ट्रीटमेंट हो। बट इवन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड रिवॉर्डिंग देम proportionately to their effort might not be enough to ensure that people enjoy equality in other aspects of their lives in society, nor that the society as a whole is just। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि लेकिन कई बार ये non-discrimination, अगर लोगों के बीच में अगर discrimination ना हो, ये non-discrimination भी कई बार inequality का कारण हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन और ये जो प्रोपोर्शनेटली रिवॉर्डिंग है, प्रोपोर्शनेटली एफर्ट के अकॉर्डिंग उनको जो रिवॉर्ड करने की बात जो हमने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा, कई बार इससे लोगों की इक्वालिटी इंश्योर नहीं होती, बल्कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है जो कि कहीं से भी जस्ट नहीं है। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था कि ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स और प्रोपोर्शनेट जस्टिस के बीच में अगर हम बैलेंस बना लेते हैं तो सोसाइटी में सोशल जस्टिस हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड प्रिंसिपल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये भी बताता है कि ये दोनों प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अगर हम सबके लिए इक्वली यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन लाता है। और वो कैसे, अब ये हम जानेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरी कंट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट सो मच एज एक्सटेंड इट, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली कुड इम्प्लाई द पीपल्स who are not equal in certain important respect could be treated differently। तो ये भी कहती है कि अगर हम लोगों के स्पेशल नीड को कंसिडर करते हैं तो ये कहीं से भी प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को कंट्राडिक्ट नहीं करता। अगर हम लोगों के स्पेशल नीड को अगर कंसिडर करते हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को कंट्राडिक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो भी यही बोलता है कि जो लोग सोसाइटी में इक्वल्स नहीं हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों थ्योरी जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पीपल विथ स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी कुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल इन सम पर्टिकुलर रिस्पेक्ट एंड डिजर्विंग ऑफ स्पेशल हेल्प। पीपल विथ स्पेशल नीड्स मतलब वो लोग जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, या हम ये कह रहे हैं
कि जो पीपल जो डिसएबिलिटीज से ग्रसित हैं उनको कुछ आधार पर अनइक्वल कंसिडर किया जाना चाहिए और फिर उनको स्पेशल नीड प्रोवाइड, स्पेशल हेल्प प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग विच इनइक्वालिटीज ऑफ पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर प्रोवाइडिंग देम स्पेशल हेल्प। बहुत ईजी नहीं होता कि ये पता किया जाए कि लोग कि पीपल के किस इनइक्वालिटी को कंसिडर किया जाए और उसके रिगार्डिंग उसे स्पेशल हेल्प प्रोवाइड किया जाए। फिजिकल डिसेबिलिटी, एज और लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड ग्राउंड्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्री में जो स्पेशल हेल्प है उसके लिए जो ग्राउंड्स हैं वो या तो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या एज या फिर लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर उनको स्पेशल हेल्प दिया जाता है या स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इट इज़ बिलीव दैट इफ पीपल हु इंजॉय वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटीज आर ट्रीटेड इक्वली इन ऑल रिस्पेक्ट विथ दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक मिनिमम नीड्स टू लिव अ हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ द रिजल्ट इज लाइकली टू बी एन अनइक्वल सोसाइटी नॉट एन इगैलिटेरियन एंड जस्ट वन। आता है कि वो लोग जो बिल्कुल डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय कर रहे हैं और जिनको सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए उन लोगों के साथ जिनको की बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी प्रोवाइडेड नहीं हैं और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी वो डिप्राइव हैं, तो ऐसे दो डिफरेंट लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। भाई जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा से अच्छा है, जिसको अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं उनके संग अगर हम जिनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो बेसिक नीड्स हैं जो वो भी पूरी नहीं हो पाती जिसकी उसके साथ अगर हम इक्वली ट्रीटमेंट करेंगे तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनजस्टिस ही क्रिएट होगा। इन आवर कंट्री लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर एंड अदर सच फैसिलिटीज इज ऑफन फाउंड कंबाइंड विथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट। हमारी कंट्री में जो गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर में जो लैक ऑफ एक्सेस है कुछ लोगों का, जिन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर वो डिप्राइव रह जाती हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट की वजह से वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइडेड नहीं होती। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर अलाउड for reservation of government job and quotas for admission to educational institution for people belonging to scheduled caste and tribes। और इसलिए government ऐसे लोगों को उनके job और educational institution में admission के लिए quota और reservation जैसे facilities जो है वो provide करती है। Our discussion of different principles of justice has indicated that government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which have been discussed। ठीक है, और हम इस डिस्कशन से हम ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, अपने लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, वो कई बार ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं उनको ठीक तरह से हार्मोनाइज नहीं कर पाती, उनमें ठीक तरह से बैलेंस नहीं बिठा पाती। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स वाइल डिटरमाइनिंग रिवॉर्ड्स एंड बर्डन्स एंड प्रोविजंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी, परसुइंग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ माइट समटाइम्स
वर्क अगेंस्ट गिविंग ड्यू रिवॉर्ड टू मेरिट। अगर हम इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को परस्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इससे इनइक्वालिटी ही आती है, क्योंकि ऐसे में जो मेरिट पे जो रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा सकता। एम्फेसाइजिंग रिवॉर्डिंग मेरिट एज द मेन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस माइट मीन दैट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन वुड बी एट अ डिसएडवांटेज इन मेनी एरियाज बिकॉज दे हैव नॉट हैड एक्सेस टू फैसिलिटीज सच एज गुड नरिशमेंट और एजुकेशन। और अगर सिर्फ मेरिट की बात की जाए कि मेरिट पर ही रिवॉर्ड मिलेगा, तो ऐसे में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाएगा, क्योंकि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो हमेशा से डिसएडवांटेज्ड कंडीशन में रहा है, क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट और एजुकेशन जैसी फैसिलिटी तक उनका एक्सेस ही नहीं है। डिफरेंट ग्रुप इन द कंट्री माइट फेवर डिफरेंट पॉलिसीज डिपेंडिंग अपॉन विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दे एम्फेसाइज। और इसलिए डिफरेंट ग्रुप कंट्री में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट प्रिंसिपल को एम्फेसाइज करते हैं अपने सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए। इट देन बिकम अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज द डिफरेंट प्रिंसिपल टू प्रमोट अ जस्ट सोसाइटी। और इस वजह से ये गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है, ये गवर्नमेंट पर ऑब्लिगेशन है कि वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को, सोशल जस्टिस के इन तीनों प्रिंसिपल को इस तरह से हार्मोनाइज करें कि मैक्सिमम लोगों तक ये सोशल जस्टिस पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों को सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड हो सके। नाउ वी विल डिस्कस जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन? टू अचीव सोशल जस्टिस इन सोसाइटी गवर्नमेंट माइट हैव टू डू मोर देन जस्ट इंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज ट्रीट इंडिविजुअल्स इन अ फेयर मैनर। अगर सोसाइटी में सोशल जस्टिस के गोल को अचीव करना है तो गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सिर्फ इंश्योर ही ना करे, ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ फंक्शन भी करना होगा बजाय इसके कि वो सिर्फ ये इंश्योर करे कि लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं वो सारे इंडिविजुअल्स को फेयर मैनर में ट्रीट करेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट अगर इस तरह का प्रपोज़ल देती है कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इक्वली ट्रीट होंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा करना भी होगा। सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्न द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोशल जस्टिस जो है वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से भी कंसर्न रखता है, वेदर इट इज़ बिटवीन नेशंस और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी, चाहे वो कंट्री के बीच में हो या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हो या सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच में। गुड्स एंड सर्विसेज का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही सोशल जस्टिस लाता है। इफ देर आर सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज इन अ सोसाइटी इट माइट बिकम नेसेसरी टू ट्राई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड समथिंग लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन्स। अगर किसी सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत सीरियस मोड में, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, तो ये फिर गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को सिटीजन्स के बीच में चीज़ों को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देयरफॉर विद इन अ कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ द लॉ एंड पॉलिसीज ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो that they enjoy some basic equality of life condition and opportunities. ऐसे में within a country social justice लाने के लिए केवल यही ज़रूरी नहीं है कि
लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। लॉ एंड पॉलिसीज, सोसाइटी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, केवल यही ज़रूरी नहीं है सोशल जस्टिस लाने के लिए, बट उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो बेसिक इक्वालिटी के लिए जो बेसिक लाइफ कंडीशंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी सबको इक्वली प्रोवाइडेड हों। दिस इज सीन एज नेसेसरी फॉर ईच पर्सन टू बी एबल टू परस्यू हिज हर ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। और ये बहुत नेसेसरी प्रतीत होता है एवरी पर्सन के लिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। इन आवर कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी एंड इंश्योर दैट पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट हैव एक्सेस टू टेम्पल जॉब्स एंड बेसिक नेसेसिटी लाइक वाटर। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो टेकन सम मेजर्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक लैंड इन अ मोर फेयर मैनर बाई इंस्टीट्यूटिंग लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, जिससे कि सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके और जो लोअर कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग हैं उनका टेम्पल तक एक्सेस हो सके, उनको जॉब्स मिल सके और बेसिक नेसेसिटी की चीज़ जैसे पानी वाटर तक भी उनका एक्सेस हो सके। और इसी तरह से डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स अपनाए हैं, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाकर अपने स्टेट में लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे काम भी किए हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन मैटर्स सच वेदर एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स अराउज फर्स पैशन इन सोसाइटी एंड इवन समटाइम्स प्रोवोक वायलेंस। सोसाइटी में कई बार जस्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सामने आ जाते हैं कि जैसे कि क्या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और एजुकेशन और जॉब पर इक्वल एक्सेस इंश्योर किया जाना चाहिए, और अगर किया जाना चाहिए तो कैसे, और ऐसे मामलों में लोगों के बीच डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और इन डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि कंडीशन वायलेंट भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में लोगों को ये लगने लगता है कि उनका फ्यूचर और उनकी फैमिली का फ्यूचर जो है वो दांव पे लग जाएगा। ठीक है, और इसलिए ये कई बार वायलेंट हो जाता है। वी हैव ओनली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अबाउट द एंगर एंड इवन वायलेंस विच हैज़ समटाइम्स बीन राउज बाय प्रपोजल्स टू रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। ठीक है, हमें वो जो वायलेंस सिचुएशन की बात की जा रही है, तो हमें वो वायलेंस सिचुएशन नहीं भूलना चाहिए जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर जो ये रिजर्वेशन किया गया था, तब इसी तरह से वो पूरी कंडीशन जो था वो वायलेंट हो गया था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो दांव पे लग गई है। एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हाउएवर वी शुड बी एबल टू कामली एग्जामिन द इशू इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों को ये सारे मामले जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखकर एक बार फिर से सोचना चाहिए। कैन स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो ये स्कीम्स हैं वो थ्योरी ऑफ जस्टिस के रूप में डिसएडवांटेज पीपल के लिए क्या जस्टिफाइड हैं।
और इसके लिए हम जॉन की थ्योरी देखेंगे, जॉन रॉल्स की थ्योरी देखेंगे जो उन्होंने जस्टिस से रिलेटेड दिया है।